और सर क्या बताएंगे, लॉकडाउन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साहब लॉकडाउन तो नहीं होना चाहिए, इसलिए कि देखिए लॉकडाउन के पहले मैं नौकरी करता था, फिर मैंने कर्जा लेके ये दुकान खोला चटकदार। साहब मैंने आदमी को बुलाया बिहार से, उनको यहाँ पे रखा हूँ आज। आज ये दुकान से कम 10-5 लोग का चलता है रोजी रोटी। हम सब यहीं पे काम करते हैं, यहीं कमाते हैं। मोदी सरकार ने लॉकडाउन किया, लेकिन क्या है, लॉकडाउन के लिए करने के बाद कोई व्यवस्था नहीं था, हम सब खाने के लिए मोहताज हो गए थे। यहाँ सब लोग साहब पैदल गए, लिफ्ट लिए और गाँव गए, और फिर हम लोग लॉकडाउन जब कुछ राहत हुई तो हम लोग वापस मुंबई आए। अब मुंबई आने के बाद हम लोगों ने कर्जा लेके दुकान खोला है, और फिर से लॉकडाउन होने वाला है। हम साहब लॉकडाउन होगा कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे खाएंगे? हम साहब बड़े परेशान हैं, और साहब लॉकडाउन हुआ, हम जो कर्जा लिया है भर नहीं पा रहे हैं। और सर क्या बताएंगे, लॉकडाउन होने से आपको फ़ायदा है कि नहीं है, लॉकडाउन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या बताएंगे? सर लॉकडाउन हो जाएगा तो हम लोग क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे और कहाँ पे काम करेंगे? होने के बाद हम लोग को किधर जाना है या आना है तो हम लोग कैसे जाएंगे? सर क्या काम करते हैं आप? शर्मा का। सर लॉकडाउन होने से आपको क्या फ़ायदा है, क्या नहीं है, क्या बताएंगे, क्या क्या मुसीबतें आपको झेलनी पड़ी लॉकडाउन होने की वजह से? लॉकडाउन होने से हम लोग को बहुत मुसीबत, गाड़ी बंद हो गई, पैदल गांव जाना पड़ा, फिर और उधर से किराया भी महंगा कर दिया, सारी चीज़ की प्रॉब्लम हुई। लॉकडाउन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए लॉकडाउन, कोई दिक्कत हो रही है लॉकडाउन से। सर क्या नाम है आपका? सद्दाम। सर क्या बताएंगे, लॉकडाउन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? नहीं, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन लगेगा तो फिर हम लोग क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, और फिर हम लोग गाँव भी पैसा नहीं भेज पाते, फिर जाने आने में तकलीफ हो जाता है, और फिर अपने माँ बाप को क्या भेजेंगे हम लोग पैसे, और फिर ऐसा लॉकडाउन रहेगा तो हम लोग फिर आत्महत्या कर लेंगे, और क्या कहेंगे, कमा कुछ कर नहीं सकते हैं। आठ बजनी पड़ी थी, बहुत सी तकलीफ देखनी पड़ी ना, ना ट्रेन चल रहा था, ना बस चल रहा था, कुछ नहीं, जाने आने में साधन भी नहीं था, पैदल भी हम लोग चल के भी गए, तो क्या करेंगे, फिर लॉकडाउन लगेगा, फिर ऐसा हो जाएगा तो हम लोग चले जाएंगे, तो फिर दोबारा कभी नहीं आएंगे मुंबई कमाने। सरकार से क्या अनुरोध करना चाहते हैं? सरकार से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाए, फिर हम लोग फिर क्या करेंगे, क्या खाएंगे यहाँ पे। आपको कोरोना से डर है कि भूखमरी से? हम लोग को कोरोना से नहीं डर, हम लोग को भूखमरी से डर है, अपना पेट से हम लोग को संबंध है। सर क्या नाम है आपका? आर्यन यादव। सर क्या बताएंगे, लॉकडाउन से आपको क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ी, और लॉकडाउन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे मुसीबतें तो बहुत झेलनी पड़ी है, और अगर लॉकडाउन हो गया तो बहुत झेलना पड़ेगा, कम से कम 20,000 रुपया रेंट है इसका, कहाँ से भरेंगे, और इसके वजह से कम 5-6 लोगों का घर परिवार चलता है, ये सब बहुत दूर से यूपी से कहाँ से आए, कहाँ से कोने से पकड़ के लाए, अच्छे अच्छे कारीगर है। ये देखिए हम जैसे हमारा शर्मा वाला बेचारा, कम से कम 800 रुपया 900 रुपया इसका रोज़ का जाता है, बड़ा परिवार है, इसी वजह से इसकी फैमिली चल रही है, ऐसे 6-7 लोग काम करते हैं, सबकी फैमिली चलती है। अगर लॉकडाउन हो जाएगा तो इनको बहुत तकलीफ़ होगी, और हमें भी तकलीफ़ होगी। जो लॉकडाउन हुआ था उस समय आपको क्या क्या तकलीफें झेलनी पड़ी थी? बहुत झेलना पड़ी, एक्चुअली मेरा मेन तो क्लासेज है, दुकान है, कम से कम 1,00,000 रुपया मंथली का मुझे भाड़ा भरना पड़ता है, और बच्चे पढ़ाना अलाउ नहीं है, और घर परिवार चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।